In this question, we have to prove that the fx हमें given है log of x to the base a is increasing on 0 to infinity if a is greater than 1 and is decreasing on 0 to infinity if a is between 0 and 1. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग कब होता है कोई भी फंक्शन है और डिक्रीजिंग कब होता है. अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है f(x) if f dash x is greater than 0 in an interval a comma b, ठीक है, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल. ठीक है, एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो इन द गिवन इंटरवल देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो हमें एफ एक्स गिवन है, हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे. एफ एक्स हमारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए. अब हमें पता है दैट वी कैन राइट लॉग ऑफ b to the base a as log of b upon log of a. तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं log of x upon log of a. अब log of a तो हमारे पास एक constant quantity है, तो इसे हम common निकाल सकते हैं. सिर्फ log of x का differentiation करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास f of x आ गया. तो log x का differentiation क्या होता है, हमारे पास 1 upon x, तो ये हमारे पास equal आ जाएगा 1 upon x. ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू लॉग ऑफ वन अपॉन लॉग ऑफ ए इंटू में एक्स. ठीक है, नाउ अब चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन को. फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इफ ए इज ग्रेटर देन वन. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, कि एफ डैश एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव हो. अब हमें पता है कि अगर हमारे पास होता है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन, तो हमारे लॉग एक्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब लेस देन जीरो. ठीक है, एंड इफ आवर एक्स लॉग ऑफ एक्स में अगर हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन वन हो, देन हमारे पास लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आती, ग्रेटर देन वन आती है. ठीक है, और सॉरी ग्रेटर देन जीरो आती है, देन लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आती है. मतलब ये इस कंडीशन के लिए हमारे पास लॉग ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन के लिए जो हमारा लॉग ऑफ एक्स है वो नेगेटिव होगा. तो हमारे पास लॉग ऑफ क्या है, ए, लॉग ऑफ ए है, और कंडीशन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन वन. ग्रेटर देन वन मतलब जो लॉग ए है उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव हो गई. अब एक्स देखते हैं, एक्स का रेंज क्या है हमारे पास, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इसके पास. ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा हमारे पास, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ये नंबर जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा. मीन्स जो एफ डैश एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में, फॉर द कंडीशन डैट ए इज ग्रेटर देन वन. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, एफ एक्स हमारे पास इंक्रीजिंग आ गया फॉर द गिवन इंटरवल इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो. अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, डेट इट इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इफ ए इज फ्रॉम जीरो टू ए इज फ्रॉम जीरो टू वन. ठीक है, अभी हमने जीरो टू वन की कंडीशन चेक की है. अगर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स जो है वो जीरो टू एक्स की वैल्यू जो हमारे पास जीरो टू वन के बीच में होती है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है. ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स क्या आया था हमारे पास, एफ डैश एक्स हमारे पास आया था वन अपॉन लॉग ए इंटू में एक्स. ठीक है, अब ए जो एक्स है उसकी तो रेंज हमें गिवन है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये नंबर तो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये नंबर हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा. अब ए क्या है, ए की कंडीशन क्या है, ए इज फ्रॉम जीरो टू वन, एंड जीरो टू वन की कंडीशन में चेक किए कि उसके लिए हमारे पास जो लॉग ऑफ एक्स है वो लेस देन जीरो होता है, मतलब ये जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये हमारे पास नंबर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव मीन्स दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो. अब लेस देन जीरो है तो हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो तो हमारे पास जो एफ एक्स आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा. एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी इफ ए इज बिटवीन जीरो एंड वन. तो ये प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में, सो हेंस प्रूव.